कर लेते हैं कुछ और खबरों का। आजादी के 75 साल बाद भारत पाक सीमा के रेगिस्तान में बसे हजारों परिवारों को गहलोत सरकार ने बड़ी सौगात दी। इनकी हलक की प्यास बुझने वाली है, लोगों को अब दूषित पानी से भी मुक्ति मिलेगी। यानी कि गहलोत सरकार ने 600 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर लिया, जिससे रेगिस्तान के गांव गांव में अब शुद्ध पेयजल मिलेगा। ये खास रिपोर्ट देखिए हमारे। भारत पाकिस्तान सीमा के रेगिस्तान में बसे हजारों परिवारों के लोगों की अब हलक की प्यास जल्द बुझेगी। सोचिए, ये वही रेगिस्तान है जहां पानी की एक एक बूंद के लिए लोगों को आजादी के बाद से जद्दोजहद करनी पड़ती थी। रेगिस्तान में पानी की एक एक बूंद हलक में समाने के बाद मानो किसी अमृत पान का एहसास होता है। रेगिस्तान के लोग अब तक किस प्रकार दूषित पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, उसकी तस्वीर देख लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नहरों से आने वाला पानी सीधा डिग्गियों में डाला जाता है। कहने को तो विभाग इसे फिल्टर करता है, लेकिन डिग्गियों की हालत देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। देखिए, ऐसा लगता है जैसे महीनों से इन डिग्गियों की साफ सफाई नहीं की गई है। स्थानीय लोग यही मटमैला और दूषित पानी पीकर न केवल बीमारियों को न्योता देते आ रहे हैं, बल्कि अपनी जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। रेगिस्तानी इलाकों में बसे लोगों के लिए गहलोत सरकार ने अब बड़ी राहत दी है। जल जीवन मिशन के तहत गहलोत सरकार ने एक बड़ी सौगात देते हुए 600 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। पीएचडी विभाग के जरिए ग्रामीणों को अब घर बैठे शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी। गहलोत सरकार की इस सौगात से अब यहां के लोगों में एक नई आस जगी है कि अब यहां के लोगों को भी शुद्ध पानी पीने को मिल सकेगा। मुख्यमंत्री जी ने जो 600 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, उनको प्रत्येक गांव तक जो काई नुमा पानी डिग्गियों में जमा था, अशुद्ध पानी पीने को मिल रहा था, उसमें आम जनता को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इससे कैंसर की बीमारी खत्म होगी और तमाम व्यक्तियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा। जो पानी है हमारी डिग्गियों में आज, जो मतलब गंदी नालियों में बहता है, उस तरह का पानी हमारे गांव के जो गरीब लोग हैं वो पीते हैं। और जो अब सरकार ने 600 करोड़ रुपए का बजट पारित किया है जल के तहत, तो उससे हमें आस बंधी है कि अब हमें कुछ पीने के पानी की सुविधा मिल सकती है। हमने कई बार पहले भी बताया है कि पिछले बजट में 488 करोड़ रुपए खाजूवाला के लिए, जहाँ भी सेनेटरी डिग्गियाँ है उसके लिए हमने लिए है कि गांव-गांव में टंकी बनेगी, कुछ नहर के पास में बनेगी और प्रत्येक घर को शुद्ध फिल्टर पानी देंगे और घर घर टूंटी लगाएंगे। प्रदेश में न जाने कितनी ही सरकारें आई और गईं, लेकिन इस बड़े क्षेत्र के इतनी बड़ी समस्या को लेकर अब तक कोई भी सरकार संवेदनशील नहीं रही। हालांकि इस बार गहलोत सरकार ने एक बड़ा बजट आवंटित कर यहां के लोगों को एक आस भरी जिंदगी दी है। अब देखना ये होगा कि जल जीवन मिशन के तहत यहां के लोगों को कब तक शुद्ध पेयजल की सप्लाई शुरू की जाएगी। त्रिभुवन रंगा, जी मीडिया, बीकानेर।